फसल बीमा योजना का विवरण निम्न प्रकार है। खरीफ 2020 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 51,220, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 23,065, रवि 2020-21 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 42,323, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 9,600, खरीफ 2021 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 4,42,601, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 2,20,298, रवि 2021-22 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 3,19,820, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 82,616, खरीफ 2022 सृजित पॉलिसी संख्या है 4,77,754, लाभान्वित पॉलिसियों की संख्या है 72,028, रवि 2022-23 सृजित पॉलिसियों की संख्या है 3,37,203, बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन है। खंड दो जी नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित बीमा इकाइयों में अधिसूचित फसल में योजना प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज की गई उपज क्षति के अनुरूप बीमा क्लेम बीमा कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से बताना चाहता हूँ, जो पॉलिसियां ब्यौरा दिया गया है उनमें नाम मात्र का क्लेम दिया गया, किसी में 100 रुपए है, किसी में 200 रुपए है, किसी में 1,000 रुपए है, किसी 5,000 रुपए है। तो मौके पर निरीक्षण किए बिना ही गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना किसानों को पूरा क्लेम नहीं मिलना, इसके अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के इन्होंने गड़बड़ी की है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? नंबर दो, बीमा कंपनी अपने फायदे के लिए सरकारी कर्मचारियों से मिली भक्त करके आंकलन करती है, क्या बीमा कंपनी को ब्लैकलिस्ट करोगे जिन्होंने गलत की है? मंत्री महोदय, 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए मजाक हुआ है, प्रश्न पूछा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, पीली बंगा में जो जिस कंपनी ने इंश्योरेंस किया उसका नाम है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो पॉलिसी वहाँ वितरण हुई है जिनका बीमा क्लेम मिला है उसका भी लेखा जोखा मेरे पास है। खरीफ 2000 में मिला 28,69,00,000, रबी 2020-21 में 31,13,00,000, खरीफ 2021 में 28,52,00,000, रबी 2021-22 में 23,34,00,000, करीब 2022 में 5,11,00,000, इस कुल मिला के ये टोटल होता है 20 से लेकर 22 तक 116,81,00,000 रुपए। रबी 2023 के बीमा क्लेम की पोर्टल पे गणना जारी है। फिर भी यदि आपको कोई शिकायत है आप निश्चित तौर पे लिख के दें, क्योंकि जब भी ये आकलन होता है तो उसमें बीमा कंपनी का प्रतिनिधि गिरदावर पटवारी ये सब मौके पर होते हैं, और ये ऑनलाइन होता है। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें 90% यह आकलन ऑनलाइन है, 10% ऑफलाइन है, और पूरे देश में हम प्रथम स्थान पे हैं। आपको कोई शिकायत है तो इसका निस्तारण राजस्थान में पहले जो कमेटी बनी है वो करती है, फिर हम भारत सरकार को भेजते हैं। यदि कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पे लिख के दो उनका निस्तारण। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ये जानना चाहूंगा कि आपने सर्जित पॉलिसी और लाभान्वित पॉलिसी का जो अंतर बताया वो लगभग 33% लोगों को लाभ मिला, तो इसका आधार आप करते हैं तो क्रॉप कटिंग के आधार पर करते हैं या सैटेलाइट की इमेज के आधार पर करते हैं? नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपने कहा कि रबी 2023 की बीमा क्लेम गणना प्रक्रिया दी है, मार्च के बाद रबी की फसल भी नहीं बचती, तो आप इसकी बीमा अब इसमें गणना करने के लिए बची क्या है, ये गणना कब तक पूरी हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने कहा कि क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होता है, और उसमें जो जो भी वहाँ उपस्थित हैं गिरदा और पटवारी बीमा कंपनी का प्रतिनिधि वो करते हैं, उसमें कोई शिकायत आती है तो बाद में वो कमेटी ऊपर जाता है उसका भी निस्तारण होता है। पर जो बात आपने कही है 22-23 की, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि रवि 2022-23 उपज परिणामों की प्रविष्टि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जारी है, एवं बीमा कंपनियों को राज्यांश प्रीमियम का भुगतान भी जारी है। 1,055 करोड़ का भुगतान हम कर चुके हैं, केवल 210 करोड़ का राज्यांश प्रीमियम चुकाना बाकी है, अगले 15 दिन में वो कर दिया जाएगा। जब तक सरकार राज्यांश पूरा नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर दर्ज रह जाए वो इंश्योरेंस का क्लेम जारी नहीं करेंगे। अब इन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक 1,000 करोड़ दे दिया, अभी 285 करोड़ रुपए जो बकाया है ये कब तक दे दोगे ताकि किसान? बताया ना आपको 15 दिन में भुगतान कर देंगे उसका,
अगला फिर उसके बाद में भारत सरकार जो देगी उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष 494 मैं सीधा प्रश्न ही पूछ लेता हूँ। सीधा प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया कि मई 2022 तक 96 ट्यूबवेल बंद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 साल तक आप इस विभाग ने कोई भी उन जेजेवाई ट्यूबवेल को सुधारा नहीं, फिर आपने ठीक करना शुरू किया, बड़ी अच्छी बात है, देर आए शुरू दुरुस्त आए, फिर भी मेरे यहाँ पर 42 ट्यूबवेल अब तक बंद पड़े हैं। तो आप ये इतना सा बता दीजिए कि वो 42 ट्यूबवेल कब तक आप शुरू करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल पहले हमारे पास ये स्कीम नहीं थी। जे जे वाई हमको पिछले साल बजट में अनाउंसमेंट था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मई 2022 से हमको ये जे जे वाई जो योजना है ये हमको ट्रांसफर हुई। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुल पूरे प्रदेश में 7,740 जे जे वाई योजनाएं थी, इनमें से 6,468 चालू थी, 1,272 बंद थी, करीब 250 हम इनमें से चालू कर चुके हैं। और इनका जो स्टाफ के भी मैं आपको जानकारी देता हूं कि कुल पंप चालक इसमें 7,144 थे। माननीय मंत्री जी, ओनली रिलेवेंट विद फलोदी 96 का वो बा इंटरेस्टेड है। ये जो 42 नलकूपों के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए, हम इसको यथासंभव पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसको पहले जे जे एम नहीं होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जे जे वाई और जे जे एम का सामंजस्य बैठा कर जहां जहां जैसे आवश्यकता है उनको पूरा कर रहे हैं। हमने कुछ नलकूपों को पहले भी हमने उनको मरम्मत करके एक मोटर बदल के दूसरे काम करके उनको चालू किया है। माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनको यथाशीघ्र हम पूरा करेंगे। और मैं आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहता हूं कि हम इनको हम बाद में सतही योजना से भी सतही जल स्रोत से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जितनी आपके 310 ग्राम जो फलौदी के वो 310 ग्रामों के लिए हमने योजनाएं बनाई है और हम इसको जे जे एम के तहत भी पूरा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी बजट सत्र में कि 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल देंगे। 40 हैंडपंप की एवजी में आप क्या उनके एवजी में दूसरे ट्यूबवेल देने की मंशा रखते हैं? अगर रखते हैं तो अधिकारियों को निर्देशित कर दीजिए। दूसरे में आपने कहा कि जे जे एम शुरू हो रहा है, परंतु जे जे एम की 3 बार टेंडर कैंसिल हुए, अब चौथी बार आप लगा रहे हैं, परंतु अंतिम अभी अब जे जे एम तो होते होते कम से कम 1 साल लगेगा, और उससे पहले तब तक इन ट्यूबवेल का जारी रहना चालू रहना बहुत अति आवश्यक है, इसलिए इन ट्यूबवेल को चालू करवाने का श्रम करावें। और वो प्रश्न पूछ नहीं रहे, आप तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कहा कि हम इसको यथासंभव दिखवा रहे हैं। जो आपने 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल की बात की है, हमने इस बारे में ये तय कर रखा है कि अगर कोई कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र से 40 हैंडपंप के बजाय अगर ट्यूबवेल की मांग होती है तो उस खर्चे के हिसाब से जितना खर्चा 40 हैंडपंप में होता है उतने नलकूपों को हम उनको स्वीकृति दे देते हैं। आप कहाँ से प्रस्ताव भिजवाइए वो भी करेंगे। अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। प्रश्न संख्या 495। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 के प्रावधानों में भारत सरकार के निर्देश दिनांक 12/7/21 के अनुसार ट्रस्ट फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्ति के हित व लाभ के लिए किया जाता है। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में जमा हुई राशि का विवरण निम्न है। 198.95 लाख, 20-21 के, 21-22 के 247.85 लाख, 22-23 के 406.88 लाख। खंड 2, उक्त अवधि में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से श्री गंगानगर जिले की 6 पंचायत समितियों में विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि का पंचायत समिति कार्यवर विवरण परिशिष्ट 1 पर तथा संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध है। खंड 3, जी हाँ, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम 2016 के नियम 15 के उपनियम 3(i)(a)(b) में खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु ट्रस्ट फंड के उपयोग में के संबंध में समुचित प्रावधान किए गए।
संबंधित उपनियम की प्रति परिशेष 3 पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि नियमों में खनन प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय के अधिकार जिले की गवर्निंग काउंसिलिंग को प्रदत्त होने से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि DMFT फंड में श्री गंगानगर जिले के अंदर 485.83 लाख रुपए जमा हुए हैं, इसके बावजूद भी ये पूरी राशि अब तक व्यय क्यों नहीं की गई है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि मुझे जो ये जवाब दिया गया है उसके अंदर मैंने गंगानगर जिले के बारे में पूरा पूछा था, उसके अंदर 9 पंचायत समितियां आती है जबकि इसके अंदर सिर्फ 6 पंचायत समितियों का ही ब्यौरा दिया गया है, जिसके अंदर अनूपगढ़ और गढ़साना पंचायत समिति भी एक है और जहां सर्वाधिक खनन क्षेत्र है वहां DMFT फंड का पैसा नहीं दिया गया। और ये जो आधा अधूरा जवाब दिया गया है, इन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सदस्य का प्रश्न है कि गंगानगर DMFT फंड में 583.17 लाख रुपए जमा है और खर्च क्यों नहीं किया गया, जब भारत सरकार ने 2016 में ये प्रावधान जारी किए, प्रधान खनिज 30% प्रधान के 10% रॉयल्टी का जमा होता है, डिस्ट्रिक्ट में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में कमेटी थी, उसको चेंज किया, जिला कलेक्टर बनाए, फिर जिला प्रभारी मंत्री बनाए, अभी वापस जिला कलेक्टरों को ये अधिकार दिया गया, उसके तहत वहाँ के विधायक गवर्नमेंट के नॉमिनी लोग मेंबर होते हैं, इन्हीं को अधिकार उस कानून के तहत दे रखा है। आप खुद ही वो पैसा जो जमा है उसके आधार पर आप खर्च करें। जहां तक 9 पंचायत समितियां 6 में खर्च हुआ, उसके पीछे जो कारण है माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 3 पंचायत समितियों में घड़साना के प्रस्ताव मीटिंग होने के बाद, जो लास्ट मीटिंग थी इनकी 24/3/2021, उसके बाद प्रस्ताव प्राप्त हुए। 2 पंचायत समितियां इनकी जो रायसिंह नगर कर्णपुर है, इनके प्रस्ताव अभी तक भी नहीं पहुंचे, इनकी जल्दी ये मीटिंग बुलाएं। मैं आश्वस्त कर देता हूं कि आपकी मीटिंग के लिए मैं डायरेक्शन यहां से जारी करवा दूंगा, तत्काल आप मीटिंग करें, आपका जो पैसा है आप ही को अधिकार है। जहां तक पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पैसा था, आपने एक भी प्रस्ताव नहीं दिया, तो ये प्रस्ताव जहां मैंने कमेटी के मीटिंग के वो भी डिटेल मंगवाई, तो उसमें एक भी प्रस्ताव पर्यावरण को रोकने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए प्रस्ताव नहीं है। उस मीटिंग में इन्हीं को अधिकार है, जिला कलेक्टर साहब को ये डायरेक्शन दे देंगे कि वो प्रस्ताव अगर नहीं आते हैं तो आप स्वयं वहां के NGO या संस्था या जनप्रतिनिधि से मिलकर उसको पाबंद करें, ताकि पर्यावरण नियंत्रण भी हो सके और उनकी मीटिंग जल्दी हो सके, जिनके इनके प्रस्ताव हो। और इनकी जो पंचायत समिति है अनूपगढ़, उसमें इन्होंने 12 काम दिए, वो 12 ही काम स्वीकृत हैं, जिनमें 5 पूरे हो गए, 5 भौतिक रूप से पूरे हो गए, रिकॉर्ड में अब होने हैं, एक कार्य प्रारंभ हुआ, कार्यकारी एजेंसी इन्होंने चेंज करने के लिए लिखा है, बाकी 12 काम और इन्होंने अभी मीटिंग के बाद प्रस्ताव दे रखे हैं, जो मीटिंग में स्वीकृत हो जाएंगे, किसी को पास जाने की जरूरत नहीं, खुद ही को अधिकार है, खुद ही को काम करना है, इन्हीं का पैसा इन्हीं को खर्च करना। अगला प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, मान सर बेटे, इतना एग्जॉस्टिव उत्तर आ गया आपका, प्लीज मान सर आप बता देना, दिया तो काउंसिल में जाइए आप। मान सर, प्रश्न संख्या 496। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाँ, विधानसभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पंचायत समिति धम्भोतर, जिला प्रतापगढ़ में पंचायत समिति कार्यालय हेतु जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 18/12/2020 को जमीन आवंटित की जा चुकी है, खंड 2। जी हाँ, जिला परिषद द्वारा संबंधित फर्म को पंचायत समिति भवन निर्माण का कार्य आदेश जारी कर दिया गया है, भवन निर्माण 2024 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि कार्यादेश कब जारी हुआ, किस फर्म को हुआ और राशि कितनी है? फर्म है जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी और अभी जो आदेश दिया है प्रशासनिक स्वीकृति 10/6/2022 को प्रथम किस्त जारी की है 98.30 लाख की और टोटल है 2 करोड़ की। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10/6/22 को कार्यादेश जारी हुआ और कार्य समाप्ति की दिनांक निविदा जो है ये जो बताया, माननीय मंत्री बैठे नहीं, आप पहले सुन ले, पहले कार्यादेश 10/6/2022 को जारी हुआ और कार्य समाप्ति की दिनांक लिख रहे 2 जुलाई 2024, तो 2 वर्ष का समय मिलता है। आप जो मैं बताना चाह रहा था आपको
कि प्रशासनिक को वित्तीय स्वीकृति एएसएफएस 10/6/22 को और जो टेंडर हुए हैं अभी आपके 11/5/2023 और ये 27/6/2023 को वर्क ऑर्डर दिया है और भवन निर्माण जो बनेगा पूर्ण होगा 2/7/2024। अगला प्रश्न श्री बिहारी लाल। प्रश्न संख्या 497। खंड एक, राशन डीलरों की मांग के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नियमितीकरण कर सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। खंड दो, राशन डीलरों की आयु 55 वर्ष से अधिक होने पर उचित मूल्य दुकानदारों के स्वेच्छा से लाइसेंस ट्रांसफर करने का प्रकरण वर्तमान में परीक्षणाधीन है। नंबर तीन, राशन डीलरों को मानदेय कार्मिक घोषित करने संबंधी प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पीडीएस सिस्टम के ऑप्टिमम कंडीशन में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से 25 से 30 क्विंटल अलॉट होता है, कमीशन बनता है 3,000। उसमें दुकान का किराया, बिजली का बिल, पॉस मशीन सिम का रिचार्ज, पेपर रोल, ये खर्चा, तो क्या सरकार उचित मूल्य दुकानों के लिए किराए का भुगतान महिला व बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्र की तरह करने और शेष व्यय की प्रतिपूर्ति का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? अध्यक्ष महोदय, इसमें भारत सरकार के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, उनके अनुसार निर्धारित किया जाता है। मैं खुद भी चाहता था कि राशन डीलर बहुत बड़ी तादाद में 27,000 हैं, उनको लेकर हमने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव में हम ये चाहते थे कि पूरे देश में स्टडी करवा लिया जाए हर स्टेट में और इनको इतना पैसा तो मिले जिससे उनको परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट है कि कुछ राशन डीलर्स ने इस्तीफे दे दिए क्योंकि कई जगह बहुत छोटे हैं। कुछ विधायक ये चाहते थे कि 250 पे भी कर दिया जाए, लेकिन जहां 250 पे कर रहे हैं वो तो हट रहे हैं, वो तैयार नहीं हो रहे। तो हमने भारत सरकार को भी लिखा है, राज्य सरकार को भी लिखा है, हम खुद चाहते हैं इनका मानदेय बढ़े, वो कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। अगला प्रश्न श्रीमती सभा चौहान। प्रश्न संख्या 458। खंड एक, जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 21-22 में प्रदेश में 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध रूप से नंदघर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत राज्य सरकार एवं अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य दिनांक 8 फरवरी 2022 को MOU हस्ताक्षरित किया गया। इस MOU के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 976 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जा चुका है तथा 509 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किए जाने का कार्य प्रगतिरत है। MOU के अंतर्गत 13 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था, जिसमें पाली जिला सम्मिलित नहीं है। इन जिलों में नंदघर अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण होने के साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी नंदघर अपग्रेडेशन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खंड दो, जी नहीं, प्रथम चरण में पाली जिला शामिल नहीं है, इसलिए किसी प्रकार के व्यय नहीं किया गया है। नंदघर हेतु समस्त आवश्यक कार्यों का व्यय अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि 13 जिलों का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? प्रथम चरण में पाली को शामिल नहीं करने का कारण क्या है? राज्य सरकार नंदघर योजना में व्यय का विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 13 जिलों का चिन्हीकरण किया गया है तो उसी समय MOU के आधार पे जो एरिया जो ज्यादा क्रिटिकल है उसको ध्यान में रखते हुए 13 जिले लिए गए थे। दूसरा, आपने कहा कि इसके अंदर राज्य सरकार व्यय करने का विचार रखती है, तो नंदघर के जो कार्य है ये सिर्फ ये फाउंडेशन ही करेगा। इसके अलावा जो हमारे जो रेगुलर जो स्कीमें चलती है विभाग की, उनके द्वारा हम उसका करेंगे। और आपने तीसरा पूछा कि कब तक करेंगे, तो अभी हमने बात की है उनसे, क्योंकि ये CSR के तहत ये एक्टिविटी उनकी संचालित है, उन्होंने जल्दी इसको पूरा करवाने का आश्वासन दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ये जानना चाहूंगा कि MOU हुआ है आपका, इसके अंदर 2021-22 के अंदर 8/2/2022 को चरणबद्ध तरीके से आपने MOU किया, पहले चरण के अंदर कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने का आपने लक्ष्य रखा था? और अब तक, क्योंकि तारीख लंबी निकल गई 8/2/2022, अब तक कितने घरों को, कितने नंदघर घरों को आपने विकसित कर दिया इन 13 जिलों में बताएं? प्रथम चरण में 8,000 नंदघर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था और जिसमें से अभी तक हमने
976 को विकसित कर दिया है, 509 पे अभी काम चल रहा है। तो क्या आप संतुष्ट हैं? दो साल के अंदर 8000 के लक्ष्य में 926 MOU आप करते हो एक बड़े उद्योगपति से, तो क्या ये उचित बात, आप इससे संतुष्ट है? देखिए, ये जो काम समय पे पूरा होना चाहिए था, डिले हुआ है, इसके लिए अभी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि जल्दी वो इस काम को पूरा कराए। अगला प्रश्न, सुमित गोदारा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 499, सीधा प्रश्न कर लूं अध्यक्ष जी? माननीय मंत्री जी सीधा उत्तर मांग रहे हैं। क्या ये सही है कि जो विभाग द्वारा तकनीकी रूप से इनको अनुपयुक्त नहीं माना गया, बल्कि वास्तव में ये स्थिति है कि जो चौराहे हैं वहां पर जो 3-4 चौराहे हैं वो टेक्निकल रूप से सही नहीं है तथा सड़क मार्ग भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, तो यदि सही है तो क्या सरकार उक्त चौराहे को टेक्निकल रूप से सही करने का विचार रखती है और सड़क मार्ग को दुरुस्त करने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा कि बसों के संचालन और वो टेक्निकल रूप से संचालन जो मार्ग का निर्णय, ये जिला प्रशासन, जिला परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाता है। और जहाँ रहा सड़क की खराब की बात, सड़क टेक्निकल रूप से ठीक है अभी, और जहाँ भी अभी भी सड़क का कार्य स्वीकृत है, जो आपकी सड़क है मेजर पूरण सिंह सर्कल से ब्रह्म कुमारी सर्कल, रानी बाजार पुलिया सड़क तक, ये ब्रह्म कुमार से मेडिकल वर्ष 2022-23 में ही बनी थी ये सड़क, और 26-27 तक इसकी वैलिडिटी है, और पूरण सिंह सर्कल से ब्रह्म कुमारी सर्कल तक इसी बजट की घोषणा है। तो ये जैसे मानसून अभी बरसात हो रही है, बरसात के बाद तत्पश्चात उस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, श्री गणेश गोगरा। प्रश्न संख्या 500। खंड एक जी नहीं, सामाजिक उत्तर पड़ा गया। मान्य प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार कितना पैसे देती है और राज्य सरकार कितना पैसा देती है और समय समय पर लाभार्थियों के खाते में पहुंचता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार पेंशन खाते में जाती है और इस योजना का लगभग 97% पैसा राज्य सरकार देती है, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है 1000 रुपये पेंशन देने की, उसके बाद केंद्र सरकार का तो लगभग 1% ही रह जाएगा, मात्र 367 करोड़ रुपए ही भारत सरकार देती है, बाकी पूरा पैसा लगभग 11,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करती है। अगला प्रश्न, श्री बाबूलाल। प्रश्न संख्या 501। सीधा प्रश्न, माननीय मंत्री जी उत्तर पड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय जी, इस बार मंत्री जी ने थोड़ी मेहनत करके सारे जिलों को बराबर पैसा देने का काम किया, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हो आप, इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन दो सवाल मेरे जो मेरे मन में है जो मैं पूछ लेता हूं। एक, मंत्री जी ने जो ये मुझे चार्ट दिया है, इसमें जो अनुमत जो जो काम है वो दिखे हैं, इसमें जलोत्थान जो बंद पड़ी है उनको दिखा करके चालू करेंगे क्या? और दूसरा मेरा एक ये है कि जैसे महाविद्यालयों का जिक्र नहीं है, जनजाति उपयन क्षेत्र में क्या महाविद्यालय अनुमत हैं क्या काम करने के? और काम करने के अनुमत हैं तो उन महाविद्यालयों में जो बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और सारे ट्राइबल होते हैं, वहाँ रहने की सुविधा नहीं होती है, तो उनका आना जाना रहता है, तो वहाँ आवासीय हॉस्टल वहाँ निर्माण करने का विचार रखते हैं? और दूसरा, जो कॉलेजों की स्थिति ये है कि उनकी मरम्मत नहीं हो पाती है, उनके पास इतना स्थायी फंड भी नहीं होता जो करा पाएंगे, और रंग रोगन नहीं होता, तो ये 2-3 बातें मुझे बता देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पीड़ा है, मैं माननीय सदस्य से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां भी महाविद्यालय के इस तरह के भवन हैं वो हमें अवगत कराएं, ताकि हम उसकी सर्वे करा के, परीक्षण करा के, गुण अवगुण के आधार पर उसके कार्यों को उपलब्धता के आधार पर करने की कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री जी, राज्य निधि किस में खर्च होगी उसमें ये एक्टिविटी नहीं है, जब तक ये एक्टिविटी नहीं जोड़ोगे तब तक एक्सपेंडिचर नहीं हो पाएगा। तो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि महाविद्यालय का कंस्ट्रक्शन, महाविद्यालय में हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन, ये गतिविधि इसमें इंक्लूड नहीं है,
तो जब तक आप इस गतिविधि को इंक्लूड नहीं करोगे तब तक फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं निकल सकती। तो क्या सरकार जैसा माननीय सदस्य ने कहा उस एक्टिविटी को इसका पार्ट बनाएगी? आपके निर्देश की पालना कीजिएगा। अगला प्रश्न निर्मल कुमावत, प्रश्न संख्या 502। अध्यक्ष महोदय, खंड एक, जी हाँ, विवरण परिचित एक पर संलग्न है। खंड दो, जी नहीं, जयपुर जिले में आबकारी की दुकानें निर्धारित नियमानुसार ही आवंटित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया खंड दो का, इसका पूरा विवरण नहीं दिया। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कि लोग बाग स्कूल के बच्चे हो चाहे धार्मिक स्थलों धरने प्रदर्शन होते हैं, गलत दुकान आवंटन हो जाती है। तो आपके हिसाब से जयपुर जिले की पूरी दुकानें सही है? तो मैं दूसरा आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो जितनी भी जयपुर जिले में आपने कहा कि सारी नियम अनुसार है, तो कोई आवेदन प्रतिवेदन कोई विरोध कोई ज्ञापन कुछ भी सरकार को नहीं मिले, तो इसका जवाब दें। नंबर दो, जो नेशनल हाईवे पे हम सभी माननीय सदस्य यात्रा करते हैं और जो सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की मंशा भी थी कि भाई हाईवे पे एक्सीडेंट कम हो, इसलिए दुकान आधा किलोमीटर अंदर जाने की बात है, मगर कई किलोमीटरों पहले दुकान के बारे में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होता है, आप सब देखते हैं कि आपकी नजर किधर है, ठेका इधर है, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, क्या वो नियम अनुसार है? क्या सरकार उस पर कोई कार्रवाई करना चाहती है नहीं चाहती है, वो बिल्कुल सही है, ये बताएं आप। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि आपको विवरण पूरा दे दिया किस मापदंड के अनुसार दुकानें आवंटित करते हैं। केवल दो शिकायतें हमको मिली थी, एक चोमू की मिली थी जिसको दुकान को वहाँ से ट्रांसफर करवा दिया, दूसरी शिकायत एक फुलेरा की मिली थी आपको, वो नियमानुसार सही पाई गई। और जो भी दुकानें किसी माननीय सदस्य की, एक भी शिकायत, मेरे को 1.5 साल हो गए इस विभाग को, एक भी माननीय सदस्य ने शिकायत नहीं भेजी ये दुकान गलत है सही। तो अगर शिकायतें आएगी तो अध्यक्ष महोदय नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, और जो भी आवंटित दुकानें करते हैं वो नियम से करते हैं, कहीं होर्डिंग वगैरह लगाते हैं उसकी भी शिकायत नहीं आई, शिकायत आएगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का विजन है, दुकानों की पहले से संख्या भी कम की है, दुकानें 500 नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर भी होगी, सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर दूर होगी, ऐसे निर्देश के बाद ही दुकानें आवंटित होती। अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे पे अपन सभी चलते हैं, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स है, चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे धार्मिक स्थल हो, तो क्या उसकी भी शिकायत आपको देनी पड़ेगी कि अपना डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा? सरकार नियम अनुसार, सरकार कंप्लेन आने के बाद काम करती है। सर वो नियम अनुसार सही है क्या? मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, जो प्रचार प्रसार कई किलोमीटर पहले करते हैं वो सही है क्या? आप बता दें सही है तो बात खत्म। इस तरह की दुकानों का, कोई शराब की दुकानों का इस तरह का प्रसार प्रसार नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे कहीं भी नहीं है, हम ही जाते हैं, आप भेज दो शिकायत करेंगे दूर। हनुमान सदस्य, आपको जितनी जानकारी है मंत्री जी ने कहा आप कंप्लेन करो, उस पर कार्रवाई होगी। अगला प्रश्न शिकलासन मीणा, 503। अध्यक्ष महोदय जी नहीं, पशुधन सहायक भर्ती 2022 के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के स्तर से अनुसूचित क्षेत्र TSP के आरक्षित श्रेणी का परिणाम जारी किया जा चुका है, परंतु अनारक्षित श्रेणी का परिणाम माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में वाद लंबित होने के कारण महाधिवक्ता राजस्थान सरकार की राय अनुसार जारी किया जाना शेष। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये महाधिवक्ता राजस्थान सरकार की राय के अनुसार जारी किया जाना लिखा है, मेरा निवेदन है कि ये फैसला तो विभाग के द्वारा सरकार वहाँ फैसला जल्दी कराए और उसका निर्णय कराए तो बेरोजगारों को उसमें राहत मिल सकती है, तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उसको जल्दी फैसला कराए। ने अपने उत्तर में स्वयं माना है कि अनारक्षित श्रेणी का परिणाम मान्य उच्च न्यायालय जोधपुर में वाद लंबित है, सिर्फ वाद लंबित है, कोई इसमें स्थगन नहीं है, और महाधिवक्ता ने कह दिया कि इसको रोक दो, तो क्या विभाग महाधिवक्ता के साथ बैठक करके सिर्फ रिट पेंडिंग होने के कारण से इस बार और भी आपने भर्तियां की है, आपने कितने परिणाम इस आधार पर रोके हैं? अगर यही रोका है तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे, कब इसको ठीक करेंगे? अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने चर्चा भी की है, महाधिवक्ता महोदय को हमने बात भी की है, ये केवल TSP क्षेत्र का मामला है और एक सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड सरकार का कोई फैसला है जिसमें आरक्षण को लेके, क्योंकि 197 पद थे TSP क्षेत्र के, उसमें 100 पद तो थे, 197 पदों के विरुद्ध 91 पद आरक्षित थे, उसमें 91 को तो भर्ती होकर उनको ड्यूटी पर चढ़ा दिया, 6 पद जो हैं उनका परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रोक रखा है, जो 100 पद अनारक्षित श्रेणी के थे वो लोग कोर्ट में गए हैं,
महाधिवक्ता को हमने कह दिया है, विभाग लगा हुआ है, क्योंकि उसमें पार्टी चयन बोर्ड है, तो अगली तारीख में हो सकता है कि फैसला आए, उम्मीद करके चल रहे हैं, तुरंत ही इनको नौकरी दे दी है। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा, अगला प्रश्न श्री राजकुमार शर्मा। प्रश्न संख्या 505। अध्यक्ष महोदय, खंड एक, गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपए तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 से गौशालाओं को 270 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में, जिसमें प्रथम चरण अप्रैल मई जून जुलाई एवं द्वितीय चरण नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में दी जा रही। विगत 3 वर्षों में गौशालाओं को दिए गए अनुदान का जिलेवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड दो, चारे की बढ़ती हुई दरों एवं गौशालाओं की मांग पर गौशालाओं को गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम 2021 अंतर्गत दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 से 270 दिवस की जा चुकी है। गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में दी जा रही सहायता राशि की दरों में वृद्धि की गई। बड़े गोवंश हेतु राशि रुपए 32 के स्थान पर 40, छोटे गोवंश हेतु राशि 16 के स्थान पर 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि चारे की बढ़ती कीमतों के कारण ये राशि अपर्याप्त है, क्या इस राशि में और बढ़ोतरी करने का विचार रखते हैं? दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने की बजाय 9 महीने की सहायता राशि का निर्णय लिया है, गो संरक्षण हेतु 12 महीने ये राशि मिले गौशालाओं को, क्या सरकार ऐसा विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह राशि 6 महीने ही मिला करती थी। अशोक गहलोत जी ने जब से कार्यभार संभाला और उसके बाद गायों के संरक्षण के लिए जो कई बार सड़कों पर घूमती गौशालक पशुपालक प्रॉफिट के आधार पर ही गायों को पालते थे, लेकिन ये परंपरा खत्म हो गई थी। धीरे धीरे अकाल की स्थिति बढ़ी और कुछ इस तरह की घटनाएं घटने लगी राजस्थान में, जिसमें व्हाट्सएप पे गायों को पालने का एक प्रचलन चला, लेकिन व्हाट्सएप पे गाय नहीं पाली जाती, इसीलिए इन्होंने 6 महीने से 9 महीने किया, अनुदान को भी बढ़ाया। फिर दोबारा जब 2022-23 में बजट में नंदीशाला अलग से खोलने का काम किया, उसमें 12 ही महीने उनको अनुदान देने का नंदीशाला में काम किया। पिछले बजट में उन्होंने 11,352 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से खोलने का जो काम किया, उसमें 1,500 ग्राम पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत व राशि देने का भी निर्णय लिया, जिसमें बजट का प्रावधान इन्हें रिलीज भी किया 1,377। 17 जिलों में 1-1 नंदीशाला जिसमें 12 महीने अनुदान दिया जाएगा, और 6 महीने से 9 महीने बढ़ाने का कारण ही गायों के चारा की बढ़ने की कीमतें बढ़ने के हिसाब से उन्होंने मांग की, इसीलिए इसको 6 महीने से 9 महीने किया। अभी तक यही व्यवस्था है जिससे बढ़ाया गया है, और आगे जैसा हमारे सदस्य की मंशा है उसके आधार पर हम और गायों को पालने के लिए सरकार की मंशा साफ है, पूरा ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य की भावना को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तो गायों को बचाने का समय है। 12 महीने नंदी सबसे बढ़िया निर्णय लिया शॉर्टेड सीमन का, जिसे बछड़े ही पैदा नहीं होंगे, 90% बछड़ियां पैदा हो रही, उसमें भी अनुदान दिया राज्य सरकार ने, जिसे आने वाले समय में इसे निजात मिलेगी। बहुत ही शानदार इस कार्य में सरकार ने कदम बढ़ाया, उसमें सब लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य की भावना पूरी होगी। अगला प्रश्न श्रीमती अनिता बदेल। प्रश्न संख्या 506। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाँ, जिला परिषद अजमेर द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति परिशिष्ट ऐप पर संकलन है। खंड दो, जी हाँ, अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के आधार पर भूमि की किस्म खातेदारी एवं कब्रिस्तान है, उक्त की प्रति परिशिष्ट ऐप पर संकलन है। खंड तीन, नगर निगम अजमेर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर से प्राप्त सूचना अनुसार इन विभागों द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार विकास कार्य करवाए गए हैं, अन्य विभागों से सूचना लंबित है। अध्यक्ष महोदय,
आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि आपने वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति दोनों का समय निर्धारित किया हुआ है, उसके बावजूद ये पत्र जो मुझे मिला वो बहुत देरी से मिला, तो देरी से मिलने का क्या कारण है पहला। तो दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगी, ये पूरे राजस्थान की समस्या, विशेषकर शहरी क्षेत्र की समस्या है। आप इसके एनक्लोजर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि नगर निगम द्वारा कार्य कराया गया है, पीएचडी द्वारा कार्य कराए गए हैं, अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा कार्य कराए गए हैं, और जो अजमेर विकास प्राधिकरण ने जिसको कार्यकारी एजेंसी बनाया था उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने नहीं कराए, परंतु मैं ऐसे प्रमाण दे सकती हूँ कि उन्होंने कच्ची बस्ती के तहत जो इसकी क्रम संख्या 1 और 2 पर जो कार्य उल्लेखित हैं, अजमेर वार्ड संख्या 34 गुजे भरती हीरा बैंड वाली गली, और जो 2 संख्या पर उल्लेखित है अजमेर वार्ड संख्या 34 गुजर धरती की पहली गली व दीपचंद जी की गली, ये दोनों गलियों में कच्ची बस्ती के तहत अजमेर विकास प्राधिकरण ने स्वयं ने कार्य कराए हैं, तो ऐसी क्या स्थिति है कि यदि विधायक अपने विधायक कोष से उक्त क्षेत्रों में कार्य कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता, बल्कि स्वयं नगर निगम करा सकती है, अजमेर विकास प्राधिकरण करा सकता है, पीएचडी वहां लाइन डाल सकती है, विद्युत वितरण निगम वहां पोल डाल सकती है, और बरसों पुरानी आबादी है जो पीएचडी ने कहा है। प्रश्न तो मेरा यही पूछना है कि भाई फिर विधायक कोष से ये कार्य क्यों नहीं कर सकते, और जो पत्र आपने मेरे को लिखा है वो इतना देरी से क्यों लिखा है, आप टाइम नहीं लिख देते तो शायद वो कार्य हो जाते। मेरा एक प्रश्न और पूछूंगी माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने देरी का कारण इनके जानकारी हमारे पास आई थी एडीए के द्वारा कि ये कब्रिस्तान भूमि है और खाती की भूमि है, तो इनका लेटर आने के बाद में हमने एफडी को डिपार्टमेंट को लिखा, और लिखने के बाद में उन्होंने इस चीज के लिए जो एज पर हमारे नॉर्म्स हैं 2010 के उनके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। दूसरा इनका बिंदु है कि भाई आपका पीएचडी है, आपका अजमेर डिस्कॉम है, वो पैसे डिपॉजिट कराता है, जमा कराता है, वो काम कहीं भी कर सकता है, निगम भी इस प्रकार कार्य कर सकता है, हमारे जो मार्गदर्शिका 2010 बनी हुई है उसके अनुसार ही काम करेंगे कि उसका भूमि का टाइटल क्लियर होगा तो वहां विकास के कार्य कराए जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रही हूँ कि ये विधायक कोष की अनुशंसा से कार्य होते हैं, अजमेर नगर निगम क्षेत्र का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर पूर्व में अन्य विभागों द्वारा कार्य नहीं कराए गए। यह पहली नई सड़क नहीं बन रही है, सड़क के ऊपर ही सड़क बनाने की कोशिश की गई थी क्योंकि पुरानी सड़क टूट गई थी, तो जब नगर निगम सड़क बना सकती है अजमेर विकास प्राधिकरण, और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल ये मैं 15 तारीख माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने LHG की सड़कों का शिलान्यास किया, इस LHG की सड़कों में वही सड़क। माननीय मंत्री जी, उनका ये कहने का है कि उस जमीन पर दूसरे विभाग वाले काम कर रहे हैं तो विधायक के फंड से काम क्यों नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि हमारी जो भूमि का टाइटल क्लियर हो कि भाई ये कम से कम उससे पहले यहाँ तक आई है, उससे पहले लगातार विधायक यहाँ पे तो 91 में किस्म परिवर्तन करा लेती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, ये पहला बिंदु। तो दूसरा ये है कि यदि सुनने नहीं जाते, मेरा निवेदन है कि हमने भी पहले इनका लेटर आने के बाद में प्रयास किए और FD तक भेजा था, उन्होंने उस चीज को नहीं माना, फिर भी क्योंकि इनकी भावना जो ठीक है कैसा काम होना चाहिए, तो मैं एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करता हूँ, 1 महीने में वो रिपोर्ट पेश करेगी। अगला प्रश्न हो गया, प्लीज बैठे बोल रहे हैं जवाब मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, प्रश्न संख्या 507। खाद्य मंत्री जी, दबाव ज्यादा नहीं, वो रिलैक्स है। वे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 176 उचित मूल्य दुकानों का पंचायत समिति का विवरण निम्न प्रकार है। बालेसर 48, शेखाला 50, शेरगढ़ 78,
योग 176 उक्त उचित मूल्य दुकानों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट एक पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में कोई भी राजस्व गांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री प्राप्त करने से वंचित नहीं है। विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 7/4/2010 एवं 26/12/2019 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित राशन कार्डों यूनिटों को ही पात्रता के मापदंडों को आधार मानकर 500 राशन कार्ड की संख्या अथवा 2000 यूनिट के आधार पर नई उचित मूल्य दुकानें खोलने के नियम निर्धारित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन उचित मूल्य दुकान सर्जन हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। कोई सप्लीमेंट्री नहीं। अगला प्रश्न गोपाल लाल शर्मा। अगला प्रश्न श्री गिरधारी लाल। क्रम संख्या 509। वर्तमान में किसी भी योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है। इस कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है। खंड दो श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कटानी मार्गों पर रेलवे अंडरब्रिज बनाने के कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। खंड तीन अंडरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्तीय व्यवस्था की मतलब क्या है कि सरकार ने स्वीकृत करते हुए, मैं क्वेश्चन नंबर दो पर ही पूछना चाहता हूँ। जो कटानी मार्ग है अंडर ब्रिज पर, कटानी मार्ग पर लगातार 3 महीनों से धरना चल रहा है, वहाँ प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आया या नहीं आया? तो मैं यह चाहता हूँ कि राज्य सरकार जहाँ कटानी रास्ते हैं डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धरना चल रहा है, वहाँ प्रस्ताव मंगवाए। आपने जो पूछा है कटानी मार्गों का, तो कटानी मार्ग के अंदर अभी भी नरसी सर से और कुछ और मार्ग पर अभी SRF के तहत आपके 4,38,00,000 रुपए का कार्य प्रगति पर है। और आपकी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कटानी मार्गों के ऊपर तकरीबन RUB 7 पहले से भी निर्माणधीन है। और जैसा कि और आपने बताया कि वहाँ धरना चल रहा है, मुझे कोई आपका जो मेन जो उद्देश्य मुझे समझ में आ रहा है कि जो आपका ROB का जो है, जिसमें ROB की कह रहे हैं आप लोग, ROB का निर्माण होना चाहिए, यह है संपार संख्या 224 किलोमीटर /388/1-2 पर। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और मैं निश्चित तौर पर आपको आश्वासन देता हूं कि जो ROB का निर्माण है उसकी मैं शीघ्र DPR बनवा लूंगा और जैसे ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे उसको स्वीकृत कर देंगे, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पहले DPR बनानी पड़ती है। तो मैं इसकी DPR का आपको आश्वासन करता हूँ कि शीघ्र अधिकारियों को दिशा निर्देश दूंगा और इसकी DPR बना के तैयार करा। अध्यक्ष महोदय, मेरा धन्यवाद उनके लिए। अंडरब्रिज की जो समस्या है एक आम किसान के सामने आ रही है, अंडरब्रिज का ही साथ में प्रस्ताव मंगवाए जाए। कौन से व्यक्ति आपके साथ कटान क्षेत्र, आपने मेरे से कोई व्यक्तिगत ये कोई नहीं पूछा कि ये इसका होना चाहिए। इसमें आपके कटानी क्षेत्र जो है 7 और हैं जो कटानी मार्ग हैं आपके, ये बिग्गावास से समसरा मार्ग, बिग्गावास से बीदासर मार्ग, श्री डूंगरगढ़ से पुंदल सर मार्ग, दुसासराणा से श्री डूंगरसर मार्ग, दुलाचार से भुजास मार्ग, दुलाचार से बासी मयान मार्ग और दुलाचार से सावन सर मार्ग। आप मुझे व्यक्तिगत मिलके जो आपकी प्राथमिकता है उस प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री अर्जुन जिंगर। 510। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दिए जाने के निर्धारित नियम एवं मापदंडों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड दो, विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है। उक्त योजनाओं में छात्रवृत्ति राशि बढ़ाए जाने का कार्य उक्त मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। खंड तीन, माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा देय छात्रवृत्ति योजनाओं में राशि बढ़ाने का विचार प्रक्रियाधीन नहीं है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार के बजट से नहीं दी जाती है? क्या कारण है? क्या राजस्थान सरकार छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? आपका क्वेश्चन गलत है कि हम राशि नहीं देते हैं। जो एसटी की जो राशि है 75-25 के रेशो में हम देते हैं और ओबीसी की जो राशि है 60-40 के रेशो में हम देते हैं। आपने इसमें नहीं बताया। तो मेरा निवेदन यह है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा छात्रवृत्ति को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्या बढ़ाने का विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिका शिक्षा के लिए 8 योजनाएं संचालित हैं, जिसमें गार्गी पुरस्कार योजना है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में जो बच्ची 75% नंबर से अधिक लेके आती है उसको 11वीं और 12वीं में 3,000 रुपये हम देते हैं। दूसरी योजना है बालिका प्रोत्साहन योजना, इसके अंदर जो 12वीं में कला वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक जो बच्चियां लेके आती हैं उनको 5,000 रुपये हम देते हैं और प्रमाण पत्र उसको देते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है, वो जो 8वीं, 10वीं और 12वीं की जो टॉपर बच्चियां हैं, 8वीं की 8 बच्चियों को, सभी वर्गों की एक एक बच्ची को 40,000, 10वीं की 8 बच्चियां जो कि सभी वर्गों की है उनको 75,000, और 12वीं की 3 वर्गों के अंदर कला वाणिज्य और विज्ञान की जो 8 कैटेगरी है उनकी बच्चियों को 1,00,000 और स्कूटी सरकार की तरफ से हम देते हैं। चौथी योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, जो सरकारी स्कूल को जिले में 2 प्रथम जो टॉपर बच्चियां हैं और 1 प्रथम वो बच्ची जो अनाथ है और 1 टॉपर वो बच्ची जो बीपीएल है, ये 4 बच्चियों को हम 1,15,000 रुपये 11वीं और 12वीं के लिए देते हैं, और उसके बाद पीजी तक 2,25,000 रुपये हर साल उन बच्चियों के लिए हम देते हैं। फिर है आपकी बेटी योजना, इस योजना के अंतर्गत जो बीपीएल के परिवार हैं उनकी बच्चियों को 1 से 12 में जो पढ़ रही हैं उनको 1 से 8 तक के में 2,100 रुपये और 9 से 12 तक जो पढ़ रही है उनको 2,500 रुपये हम सरकार की तरफ से देते हैं। एक जो शारीरिक असक्षम जो बच्चियां हैं उनको हम 1 से 8 तक 2,000 रुपये और 9 से 12 तक 5,000 रुपये हम देते हैं। मूक बधिर और नेत्रहीन को भी इसी प्रकार से 2,000 रुपये और 9 से 12 में 5,000 रुपये हम देते हैं। और जो बच्चियां राजस्थान के 10वीं की मेरिट में आती है पूरे राजस्थान के अंदर 3 पायदान के ऊपर, उन बच्चियों को अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद में 4 साल के लिए 25-25 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। सारी योजनाएं राज्य सरकार की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन था मंत्री जी से पूछने का कि इस महंगाई के जमाने में जब महंगाई इतनी मुंह फाड़ रही है तो क्या इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनके लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाने का विचार क्यों नहीं है सरकार का? यदि छात्रवृत्ति बढ़ेगी तो बच्चे पढ़ेंगे। अब आप इतनी रेवड़ियां बांट रहे हैं तो थोड़ा सा इन बच्चों को और दे तो ठीक रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपन पता नहीं छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे, फिर लोगों की तनख्वाह बढ़ाएंगे, फिर आमदनी बढ़ाएंगे, ये सारे काम करने की बजाय आप मोदी जी से कहो ना महंगाई कम कर दे जो पूरे देश की जनता को राहत मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज मोदी जी को करना होगा, राज्य सरकार क्या करेंगे? राज्य सरकार ने कुछ करा नीचे बैठे अंकित जी होगा, लिमिट हो गई बिल्कुल। 511 प्रश्न स्थगित किया गया, जो प्रश्न है जिसमें माननीय सदस्य है श्रीमती शोभा रानी, 504 मंत्री जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री। खंड 1, विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में पंचायत समिति धौलपुर की 21 ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति सैपाऊ की 16 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन सभी 37 ग्राम पंचायतों के 167 ग्रामों में से
162 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहत पेयजल परियोजनाओं और अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC के विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। शेष 5 ग्रामों में से 2 ग्राम क्रमशः पुरानी छावनी एवं तगावली नगर परिषद धौलपुर सीमा में आने के कारण तथा 3 ग्राम यथा सरेखी का पुरा नंगला मोरली एवं चक जलालपुर गैर आबाद होने के कारण जल जीवन मिशन अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो दो ग्राम नगर परिषद धौलपुर सीमा में आ गए हैं उनको हमने अमृत 2 योजना के अंतर्गत उन योजनाओं को हमने स्वीकृत करा लिया है। खंड 2, वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र धौलपुर का कोई भी ग्राम चंबल लिफ्ट परियोजना आधारित पेयजल परियोजना में लाभान्वित नहीं है। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर की 7 ग्राम पंचायतों के 35 ग्रामों की जलमांग एवं इनमें से 22 ग्रामों के आंतरिक तंत्र को सम्मिलित करते हुए पंचायत समिति धौलपुर एवं राजा खेड़ा के 190 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर जल संबंध द्वारा लाभान्वित किए जाने हेतु चंबल लिफ्ट परियोजना आधारित बृहद पेयजल परियोजना की राशि रुपये 343.39 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC की 27वीं बैठक दिनांक 3/9/2021 के द्वारा जारी की जा चुकी है। योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 205.04 करोड़ की तकनीकी समिति की 714वीं बैठक दिनांक 7/1/2022 के द्वारा एवं संशोधित तकनीकी स्वीकृति राशि रुपये 251.25 करोड़ की तकनीकी समिति की 722वीं बैठक दिनांक 15/6/2022 के द्वारा जारी की गई। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा दिनांक 9/9/2022 को आमंत्रित की गई थी जिसे वित्त विभाग द्वारा दिनांक 2/1/2023 को जारी निर्देशों के क्रम में वित्त समिति की 834वीं बैठक में दिनांक 18/1/2023 के द्वारा पत्रित कर दिया गया। परियोजना कार्यों के पुनर्निविदा दिनांक 25/5/2023 को प्राप्त की जा चुकी हैं। वर्तमान में निविदा अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात 20 माह की अवधि में परियोजना के कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। राजनाथ जी ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया और चंबल लिफ्ट योजना में से राजा खेड़ा और धौलपुर इनके दोनों पंचायत समितियों के कुछ गांवों की संख्या इन्होंने बताया, इसको लाभान्वित करने की बात कही। 363 करोड़ की योजना आपने 30/9/2021 को स्वीकृत की, फिर उसको संशोधित करके 305 करोड़ रुपए किया। इसमें सफर में लग गया आपका 7/1/2022 का समय आ गया, फिर इसको 251 करोड़ किया, फिर समय लगा और आज 25/5/2023 को आप कह रहे हैं प्रक्रियाधीन है। ये योजना सिद्धांतिक रूप से बजट में कब घोषणा की गई थी और आज कितने समय के बाद आज भी ये प्रक्रियाधीन है? ये लंबी लंबी बातें सभापति महोदय अध्यक्ष महोदय की जा सकती है, पर ये लेट लतीफ इसके कारण से बढ़ने प्राइस इंक्लेशन जो होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा ये जरूर आप बता दें। और आप जो कह रहे हैं काफी इतना प्रश्न काफी इतने काफी प्रतिपक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष का जोश आज देखने काबिल है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं सराहना करता हूँ बहुत जोश के साथ इन्होंने वसुंधरा जी के धौलपुर के संबंध में बात पूछी है। नहीं, राजखेड़ा भी इनकी निगाह में, धौलपुर जिला है ना, राजा खेड़ा भी इनकी निगाह में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो JJM है इसमें जितने अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं उतने अधिकार हमारे पास नहीं। SLS जबकि पैसा हमारा ज्यादा खर्च हो रहा है, टेंडर प्रक्रिया का 50% केंद्र देता है, 50% हम देते हैं, ONM हम दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी मशीनरी हमारी लग रही है और कोई अगर कहीं जमीन एक्वायर करनी हो, कुछ और दूसरा काम, वो सारा भी राज्य सरकार वहन कर रही है,
लेकिन फिर भी हमें SLSSC की मीटिंग की तारीख भी केंद्र से पूछ के तय करनी होती है, क्योंकि उनका पैसा भी लग रहा है। तो ये जो देरी हो रही है, हमने उनसे आग्रह किया कि हमारे 2022 की BSR पे आप हमें अनुमति दे दें, उन्होंने हमें अनुमति नहीं किया। इसलिए हमको जब वो 2022 की हमारे BSR को उन्होंने अनुमति नहीं किया, तो जब ये जो टेंडर आए, इन टेंडर्स का प्रीमियम बहुत अधिक आ गया। हमने उन प्रीमियम अधिक आने के कारण से फाइनेंस डिपार्टमेंट से राय मांगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया नो, इस इतनी ऊंची दरों पर टेंडर दिया जाना न्याय संगत नहीं है। तो जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आपत्ति कर दी, अगर हमारी 2022 की BSR अगर अप्रूव हो जाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ये टेंडर कैंसिल नहीं होते। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो टेंडर कैंसिल हुए हैं, ये कोई वैसे ही नहीं हो गए कि कोई टेंडर कैंसिल कर दिए हूँ, नीतिगत फैसले हैं। मुझसे ज़्यादा बेहतर अनुभव माननीय नेता प्रतिपक्ष को है, मैं तो दूसरी बार इस सदन में आया हूँ, नेता प्रतिपक्ष महोदय तो 7वीं बार इस सदन में आए हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अब नए टेंडर हुए हैं, इन टेंडरों को, इन टेंडर के हिसाब से हम अपने कामों को आगे बढ़ा सकें। अगला प्रश्न 508। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि आपके कुशल नेतृत्व और कड़े अनुशासन की वजह से सभी क्वेश्चन अब आने लग गए हैं, पूरा क्वेश्चन आवर जो है सारे उसके अंदर जितने भी माननीय सदस्यों के द्वारा क्वेश्चन उठाए गए वो आ रहे हैं, ये बड़ी बात है सर। पिछली बार हम देखते थे चार चार पांच पांच। खंड एक विधानसभा क्षेत्र माडलगढ़ में दिनांक 1 जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक हुई घोषणाएं एवं बजट राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। उक्त बजट घोषणाओं में से कुल 14 में से 5 बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट बे पर संलग्न है, और 9 बजट घोषणाएं प्रगतिरत है, उनका भी विवरण परिशिष्ट से पर संलग्न है। खंड दो, जी हाँ, उक्त घोषणाओं में से शेष रही 9 बजट घोषणाओं को पूर्ण करने का कार्य प्रगतिरत है, विवरण परिशिष्ट से पर संलग्न। सारी बजटीय घोषणा है, ये 1 दिसंबर 2022 तक इसकी घोषणा है 2019 से। आप बजट की घोषणा सभा अध्यक्ष महोदय, उसी बजट वित्तीय वर्ष में जो घोषणाएं पूरी हो, और कोई बड़ी घोषणा है तो उसके चरण निश्चित किए जाते हैं। मंत्री महोदय ये बताओ, ये 14 में से 5 मतलब आपको कितने परसेंट नंबर दिए जाए? आप बजट की घोषणा के प्रति सरकार गंभीर होती तो आज ये उत्तर नहीं आता 2019 की घोषणाएं और 2023 में पूछ रहे हैं, और 14 में से 9 जो 5 और 9 प्रक्रिया रत है, ये उचित है? माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर वही मैं कहना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से पूरा जो पूछते हैं ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना, ये 19 की घोषणाएं नहीं है, 19 से 22 तक की घोषणाएं, और एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जो शुरू नहीं हुई हो। टोटल काम प्रगतिरत है, 5 पूरे हो चुके हैं, 9 चल रहे हैं। आप एक भी काम बताओ जो शुरू नहीं हुआ हो। धन्यवाद, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित गड़बड़ी, सौदेबाजी, पेपर लीक एवं भ्रष्टाचार की घटना होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। श्री राजेंद्र राठौड़, श्री सतीश पूनिया, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्रीमती शोभा चौहान, श्री गुरदीप सिंह, श्री धर्मेंद्र कुमार। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, I will not allow it. सुखाभिवृद्धि करने के बाद पहले सुखाभिवृद्धि करने के बाद जस्ट मैं चेंज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, सुखाभिवृद्धि के इस अवसर पर मैं इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री मनोहर सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पूर्व विधायक श्री मनोहर सिंह का जन्म 14 नवंबर 1949 को नागौर जिले के लाडनू में हुआ। आपने भोपाल नोबल्स कॉलेज उदयपुर से BA की उपाधि प्राप्त की। श्री मनोहर सिंह 9वीं, 12वीं तथा 14वीं राजस्थान विधानसभा में लाडनू विधानसभा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए। 9वीं विधानसभा में आप निर्दलीय तथा 12वीं तथा 14वीं विधानसभा में आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा कार्यकाल के दौरान आप प्राकलन समिति, क नियम समिति, विशेषाधिकार समिति तथा वन पर्यावरण तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की संसदीय परामर्श जाति समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए
प्रयासरत रहे श्री मनोहर सिंह अनेक सामाजिक संगठनों से संबंध रहे। आप श्री बाल सिंह राजपूत छात्रावास एवं विश्रांति गृह लाडनू एवं जानकी वल्लभ मंदिर ट्रस्ट लाडनू के अध्यक्ष भी रहे। श्री मनोहर सिंह का दिनांक 16 जुलाई 2023 को निधन हो गया। मैं अपनी तथा इस सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विचो सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मान्य सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनिश्चित गड़बड़ी, सौदेबाजी, पेपर लीक एवं भ्रष्टाचार की घटना होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए। श्री राजेंद्र राठौड़, श्री सतीश पूनिया, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्रीमती शोभा चौहान, श्री गुरदीप सिंह, श्री धर्मेंद्र कुमार, श्री अर्जुन लाल जिनगर, श्री ललित कुमार ओसवाल, श्री बाबूलाल जाडोल, श्री अभिनेश महर्षि, श्री नरपत सिंह राजवी, श्री सुमित गोदारा, श्री अशोक डोगरा, श्री नारायण सिंह देवल, श्री नरेंद्र नागर, श्रीमती कल्पना देवी, गोपीचंद मीणा जहादपुर, कैलाश मीणा, श्री संदीप शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, श्री चंद्रबान सिंह आख्या, श्री धर्मनाथ जोशी, श्री रूपाराम मकराना, श्री अशोक लावटी, श्री रविंद्र निनामा, श्री गोपाल लाल शर्मा, श्री कालीचंद सराफ, श्री सुरेश सिंह रावत, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री रामलाल शर्मा, श्री अविनाश, श्री सुभाष पूनिया, श्री मदन दिलावर, श्री जक्सी राम, श्री समाराम गरासिया, श्री अमृतलाल मीणा, श्री अमर सिंह भायल, श्री छगन सिंह, श्रीमती संतोष, श्री फूल सिंह मीणा, श्री कालूराम, श्री पब्बाराम, श्री मंजीत धनपाल चौधरी, श्री बिहारी लाल। दो, श्री प्रताप सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में लहसुन मंडी छिपाबड़ो जिला बारा को आवंटित 8 बीघा जमीन की सुरक्षा दीवार बनवाए जाने के संबंध में। श्री खुशवीर सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर नल कनेक्शन में हो रही अनियमितताओं के संबंध में। श्री जबर सिंह सांकला सदस्य की ओर से आसीन विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में। श्री गिरदालाल सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री विठल शंकर अवस्थी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा शहर के बीच से गुजरने वाली मुख्य शहर की साफ सफाई एवं तारा तार बंदी करवाने के संबंध में। श्री वासुदेव देवनानी सदस्य की ओर से प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध अजमेर में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी युवाओं पर चेतावनी दिए बिना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोकने पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री मान्य सदस्य श्री नारायण सिंह देवल, श्री अशोक लावटी, श्री राजेंद्र राठौड़, श्री खुशवीर सिंह एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट दौड़ने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचना। श्री धर्मनाथ जोशी सदस्य की ओर से पंचायत समिति मावली में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री ओम प्रकाश उल्ला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र महुआ की ग्राम पंचायत गगवाना बालाहेडी एवं टूडियान को पंचायत समिति महुआ में सम्मिलित करने के संबंध में। संजय शर्मा सदस्य की ओर से अलवर शहर में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में। श्री गोपीचंद मीणा जहांपुर सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन को निष्प्रभावी कर प्राइवेट कंपनियों के सीड्स को बढ़ावा देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लालपुरा में देवली अर्बन मेन रोड पर सीवरेज का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाए जाने के संबंध में। श्री गुरुदेव सिंह सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी में बढ़े हुए जल स्तर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गोपाल लाल शर्मा सदस्य की ओर से मांडलगढ़ के सामुदायिक चिकित्सालय में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
श्री अमीन का सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गढ़रा रोड की ग्रेवल सड़कों का निर्माण करवाए जाने के संबंध में। श्री अमित चाचान सदस्य की ओर से प्रदेश में सेवानिवृत्त राजकर्मियों को पेंशन परिलाभ आदि समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना के 12 गांवों को ग्रामदान से हटाने के लंबित प्रकरण पर कार्रवाई करने के संबंध में। श्री रामस्वरूप लामा सदस्य की ओर से सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को दिए जा रहे अल्पकालीन फसली ऋण राशि में कटौती किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में। श्री राकेश पारिक सदस्य की ओर से भीलवाड़ा की पंचायत समिति हुडा की ग्राम पंचायत कानिया को चंबल परियोजना से जोड़कर जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में। श्री अर्जुन लाल जिनगर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कपासन के जासमा कपासन फीडर की सफाई करवाकर क्षेत्र के बांधों में पानी भरने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में। श्री अमृतलाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर के किसानों को फसल खराबे का बीमा क्लेम एवं मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह देवल। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल के अंदर राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई उसमें से 18 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य पर बहुत बड़ा धोखा हुआ और इन युवाओं का सपना चकनाचूर करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने काम किया। सितंबर 2021 में रीट लेवल 2 की परीक्षा हुई, उसका पेपर भी लीक हुआ, रीट के नाम से चीट हुई, 26 लाख आवेदन आए, 16 लाख परीक्षा में पहुंचे, उसका भी पेपर हुआ और जांच में खुलासा आया कि इसमें बोर्ड के अध्यक्ष जीपी जाडोली जी मुलजिम है। मैं सरकार के को पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी तक जीपी जाडोली जी का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, या तो जीपी जाडोली जी को आकाश निकल गया या पाताल खा गया, या सरकार के सह पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में जो दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसमें उसका पेपर भी लीक हुआ। एसओजी ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को मुलजिम मान के उनको गिरफ्तार किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा जी किसकी सिफारिश से आरपीएस के मेंबर बने गए। अभी उसके बाद में जो ईओ की भर्ती परीक्षा हुई उसमें भी उसका भी पेपर लीक हुआ। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएस का कहा कि क्यों नहीं इस पेपर को भी हम धांधली हुई निरस्त की जाए। इस ईओ भर्ती परीक्षा घोटाले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत गिरफ्तार हुए, कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोपाल केसावत, और एसीबी ने अध्यक्ष महोदय सत्यापन में कहा है कि आरपीएससी के मेंबर और कर्मचारियों को पैसे देने पड़ते हैं। सदस्य टू दी पॉइंट बोले, कोई मेटर सब जुड़ी से उसमें उतने ही बोले जितना बहुत जरूरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है कि खेती बाढ़ को खा जाए तो पीछे कुछ भी नहीं होता है, और आयोग की पवित्रता और विश्वसनीयता संदेह के दायरे में है। बिना सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से एसीबी ने सरकार के खिलाफ जितने भी अभियोजन स्वीकृति पेश किए, सरकार ने आज दिन तक कितने अभियोजन दिए हैं, इससे सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहती है। और कल ही युवा मोर्चा ने जो आरपीएससी का पेपर लीक मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया, इस राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में लाख हजारों लोग थे, उस आंदोलन को कुचलने का काम भी इस सरकार ने किया। पिछले 4 साल में जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है उसमें से ज्यादातर नेताओं और अधिकारियों के बच्चे या उनके रिश्तेदारों का सिलेक्शन हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए पेपर लीक को रोकने के लिए। हो गया, प्लीज एक मिनट।
पेपर लीक को लेकर सरकार ने जो विधेयक लाया, कानून बन चुका है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस कानून के तहत अभी तक कितनी ठोस कार्रवाई हुई? 70 लाख बेरोजगार के भविष्य के साथ सरकार ने जो खिलवाड़ किया है, इसको राजस्थान का युवा कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक लाहौटी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सर्वाधिक बेरोजगारी का दंश झेल रहा राजस्थान का नौजवान, और अब इस नए माफिया पेपर लीक माफिया से ये कोर्ट में खाज का काम कर रहा है। पेपर लीक माफिया ही नहीं, इस पेपर लीक में भ्रष्टाचार भी जिस ढंग से प्रदेश में सामने आ रहा है। सभापति महोदय, एक के अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक लगातार 19 पेपर लीक करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया राजस्थान की सरकार ने। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से रीट के मामले में जो हुआ, 67 लाख राजस्थान के नौजवानों के, बेरोजगारों के घर बर्बाद करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक के मामले में राम कृपाल और प्रदीप पाराशर जैसे छोटे मोटे प्यादों पर कार्रवाई करना, और जिस प्रकार से जारोली ने कहा कि तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, सरकार केवल लिपापोती कर रही है, रीट के मामले में क्यों इसकी राम कृपाल भी और प्रदीप पाराशर की जमानत हुई? 1 साल में 4 बार पीपी बदले गए, क्यों पीपी बदले गए, क्यों इनकी जमानत हुई, और जमानत होने के बाद किस प्रकार से वापस वो उन्हीं काम में लग गए? एसओजी ने सील बंद लिफाफे आज तक सार्वजनिक नहीं किए, वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, विद्यार्थी परिषद एबीयूपी के लोग भी का पोस्ट सब जूडिस मैम ने उतने ही बोले। मैं सभापति उसी पे आ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय उसी पे आ रहा हूं। जिस कोर्ट में केस लगा तो राजस्थान सरकार के वकील ने सीबीआई जांच देने के लिए मना किया, क्या सरकार की इसमें संलिप्तता नजर नहीं आती? इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, आरपीएससी नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी के बाबूलाल कटारा, अब उसके परिवादी की कह रहे हैं गोपाल केसावत कह रहे हैं, तार संगीता आर्य से जुड़ गए, तार श्रीमती मंजू से जुड़ गए, इन सब की नियुक्ति प्रदेश के मुखिया के द्वारा की हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्थान का नौजवान, अब आरपीएससी के जो वर्तमान जो चेयरमैन है वो वही व्यक्ति है जो 3 साल से राजस्थान के मुखिया जी की सेवा में थे। इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा राजस्थान में चल रहा है, अध्यक्ष महोदय मैं वो कंपाइल कर रहा हूं कि इस मैं पहले किस प्रकार इसकी रिमांड नहीं मांगी गोपाल केसावत की पुलिस, इसने रिमांड नहीं मांगी। धन्यवाद देता हूं मीडिया को कि मीडिया ने जब मामला उठाया तो जेल में जाने के बाद अगले दिन रिमांड मांगी गई। इसमें सीधी सीधी संलिप्तता सरकार की नजर आती है। जांच इसके बाद भी जांच जयपुर एसीबी से बदलकर अलवर एसीबी में दी गई, ये क्या कारण था? अलवर की एसीबी में जांच दी गई। मैं अध्यक्ष महोदय केवल एक मांग करना चाहता हूं, राजस्थान का नौजवान ये पूछ रहे ब्रह्म प्रकाश कौन है, ये कांग्रेस कार्यालय दिल्ली में बैठता है, एआईसीसी के तार भी इससे जुड़ रहे हैं, ये कौन है, ये भी इसमें संलिप्त है। राजस्थान का युवा पूछ रहा है कि अगला पेपर कौन सा लीक होने वाला है ताकि हम उससे बचें। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से बचाए, अब नहीं सहेगा राजस्थान का युवा, अब नहीं सहेगा। अध्यक्ष महोदय, अब नहीं सहेगा युवा, मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ। वासुदेव देवनानी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में लग चुका है, कई क्षेत्र फ्री नहीं हुआ, उसमें कम से कम शिक्षा के मंदिर तो उसे अछूते थे, और रीट आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जहां से सारे देश भर में इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा थी कि कभी भी ईमानदारी से काम होता है, लेकिन पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार में जिस तरह से दोनों डिपार्टमेंट को कलंकित करने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ उससे आधार पे आज राजस्थान के 60-70 लाख नौजवान बड़े परेशान हैं, और उनको कोई आशा नहीं है कि कहीं सही नियुक्ति भी होगी। जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक, लगभग 18 पेपर आज लीक हो चुके हैं, और उस लीक के जो जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार दावे के साथ कह सकता हूं कि रीट की परीक्षा में जो यहां का अध्यक्ष थे जारोली जी, जिसने कहा संदेह के तार ऊपर हैं, ये राजीव स्टडी सर्कल के लोग जिनके द्वारा परीक्षा के पेपर आउट हुए, आज तक उनको कोई सजा नहीं। जब जयपुर से हटाया तो हुआ, बाबूलाल कटारा का केस सामने है, और जब इन युवाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा
कल अजमेर में प्रदर्शन करता है तो अंग्रेजों की याद आ जाती है, यानी अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक आवाज उठाता है, लेकिन उस पर मरमर लाठी चार्ज हुआ है जिसमें कई लोगों सर फूटे, कई लोगों लाठियां लगी, यहाँ तक कि पुलिस वहां पे देखती रही, लाठियां मारती रही। वो बेचारे शांतिपूर्वक थे, नियत से थे, लेकिन उनपे भी अपने बात को कहने का हक नहीं मिला। इस प्रकार की बर्बरता युवा स्थान नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिनके आरपीएस में भ्रष्टाचार के नाम आए, इस आरपीएससी को भंग किया जाए और साथ में यूपीएससी की तरह पर इसकी नियुक्तियां हो और ताकि परीक्षाएं अच्छी तरह से हो सके, युवा का विश्वास जीत सके, आज लोगों को नौकरियां मिल सके। यानी इस प्रकार के वातावरण से आज पूरा रोष है, हमको रोष भी व्यक्त नहीं करने दोगे, हमारी सुनवाई भी नहीं करोगे, पैसा का पैसा लूटने जाओगे, एसीबी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आज एसओजी का और मुख्यमंत्री का पूरा है। इसलिए मैं आपसे मांग कहता हूं कि सरकार इनको सचेत हो और इन नियुक्तियों को युवाओं के साथ न्याय हो। श्री राजनाथ रोड अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में दो मुद्दे बहस के लायक नहीं रहे, एक तो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और एक हर परीक्षा का लीक होता प्रश्न पत्र। गोपाल मीणा जी गलत जगह, आप यहीं बैठो प्लीज। सभापति महोदय, बोल रहा है देश की तीन ख्यातिमान एजेंसियों ने दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2022 तक सर्वे किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया, ट्रस्ट रिस्क जोखिम ने किया, इंडियन करप्शन सर्वे किया, इन तीनों में आया 66%, 66% और 69% के राजस्थान में सरकार से कोई काम पड़े बिना रिश्वत लिए नहीं होता। और ये 18 महीने में सभा अध्यक्ष महोदय 18 पेपर लीक हो जाए, 14 परीक्षाएं रद्द हो जाए, इनमें 1,30,00,000 अभ्यर्थी इन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, 400 करोड़ रुपए उन्होंने फीस के दिए और उनके अरमान टूट गए, उनका गुस्सा कल आरपीएससी के सामने आया। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ये पहली बार हुआ, शासन सचिवालयों में फाइल की जगह पर नोट और सोना मिले, और उसमें भी एक ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके हम भूल जाए। जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन में भारत सरकार के फर्जी सर्टिफिकेट के साथ ठेका ले लिया जाए गणपति टूल्स और शाम का। और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस वीक सरकार में पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये वीक सरकार में इस पेपर लीक के कारण मंदरपुरा नोहर का वो कन्हैयालाल पारिक सेकंड ग्रेड का पेपर लीक होता है, पिता को चिट्ठी लिखता है, पिताजी फिर पेपर लीक हो गया, मैं आपके अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहा, आप अनाज मंडी के अंदर बोरी उठा के मुझे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दिला रहे हैं, मेरे जीवन को खत्म कर रहा हूं। ये कहानी है कि कन्हैयालाल की नहीं, ये पहली बार हुआ अध्यक्ष महोदय किसी संवैधानिक संस्था का सरकार द्वारा नामजद मेंबर गिरफ्तार हो जाए और उसके बाद मेंबर सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं कराए, परीक्षाओं का झंझट निकल जाए, कोई असर नहीं रहे। और अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो चांदी का चरखा चलाकर जो सोने के तार निकाल रहे थे उनके तार कहां मुड़ जाते हैं, मैं वो एफआईआर लेकर आया हूं सभा अध्यक्ष महोदय, उस एफआईआर नंबर 19/1/2003 में नाम लिखा है कि 25,00,000 रुपए एडवांस लूंगा, मंजू शर्मा का नाम अंकित होता है, मैं वो चैट्स लेकर आया हूं, जो चैट्स उस आरपीएससी के सदस्यों के साथ, उस परिवादी और परिवादी के साथ है। ये क्या हो रहा है, ये खुले बाजार के अंदर नौकरियां बिक रही है, 18.5 लाख में बिक रही है सभापति महोदय। और ये यही नहीं, ये कहते हैं अब तो सभापति महोदय अध्यक्ष महोदय हद तब हो गई जब कल उच्च न्यायालय नोटिस देता है, आरपीएससी को नोटिस देता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच को नोटिस देता है, क्यों नहीं ईओ और आरओ की परीक्षा में भ्रष्टाचार प्राथमिकता से दिखाई दे रहा है, इनको रद्द कर दिया जाए, और एसीबी का प्रमुख क्लीन चिट दे देते हैं, और जब तक कि जांच अधिकारी कहता है विजय सिंह काल डिटेल की जांच होनी है, ये क्या माजरा है, कौन है ये राज्य मंत्री घुमंती जाति के लिए, आप किसके कल्याण के लिए कह रहे हो, ये गोपाल केसावत कौन है, ये आरपीएससी अब भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है, हमारी मत मानो पर उनकी तो मानो, पायलट साहब के जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए, इसलिए मैं और मेरा दल इस आरपीएससी ने अब तक जो परीक्षाएं ली है इन सब की सीबीआई से जांच हो, आरपीएससी के मेंबरों के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, ये पूरे तार एक दामन दागदार है, इस दागदार दामन के कारण से हमारी मांग है, हम अरमान लुटने नहीं देंगे नौजवानों को, अब नहीं सहेगा राजस्थान।
और ये जो कुछ हुआ है ये गोपाल केशव ने जिस प्रकार आपने जुडिशियल सर्विस के अंदर किया जब सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान का नौजवान न्याय मांग रहा है, पेपर लीक पर न्याय मांग रहा है। हो गया कुशवीर सिंह धन्यवाद अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जल जीवन मिशन के तहत मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब तक जितना कार्य हुआ है उस कार्य के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है कि वहां पे पूर्ण कार्य कर दिया हो। हर गांव में 2 गली 4 गली 5 गली में कार्य प्रारंभ करके ठेकेदार अन्य जगह जाके अपना काम कर लेता है और पूर्व से JJY के तहत जो कार्य पाइपलाइन का काम चल रहा था, पाइपलाइन के सुचारू जल की व्यवस्था हो रही थी उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन ठेकेदारों को बाध्य किया जाए कि जो काम हाथ में लिया उस गांव का काम पूरा करे पहले, उसके आगे दूसरा करे। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10% राशि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी में जमा कराने की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सरकार की तरफ से कराएंगे, मंत्री महोदय आप यहाँ विराजमान है, जल संसाधन मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप राज्य सरकार ने घोषणा की है 10% राशि कि राज्य सरकार जमा करवाएगी जल जीवन मिशन के तहत, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश लोगों ने वो राशि जमा करा दी है, उनके बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी, क्या उनको वो राशि पुनः लौटाई जाएगी, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ उन्होंने गलियों में काम किया है वह CG रोड को तोड़ के रख दिया है और वहां पे आगे किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और पहले से सुचारू व्यवस्था को भी उन्होंने छिन भिन कर दी है और कई मंत्री महोदय कई अनियमितता है। मैं लिखित में आपको देना चाहता हूं मंत्री महोदय कि JJM के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, मैं आपको लिखित में दूंगा, अन्यथा अगर इसको सुचारू रूप से आपने प्रारंभ नहीं किया तो मजबूर होके मुझे जिला कार्यालय के सामने धरना देना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो मैं अनशन भी करूंगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ओरछा विधानसभा के गांव रामनगर के अंदर कल सुबह पूना राम जी जाट के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है और पूरे परिवार को हत्या करने के बाद में एक झोंपड़े में डाल कर जला दिया जाता है। उसमें मृतकों के अंदर स्वयं पूना राम जाट, उनकी पत्नी, उनकी पुत्र वधू और उनकी पोती जो मात्र 6 महीने की थी, उन सभी की जघन्य हत्या करके, एक निर्मम हत्या करके सभी के बॉडी को एक झोंपड़े में डालकर जला दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इस टाइप के जो जघन्य हत्याकांड है, निर्मम हत्याकांड है, जोधपुर के अंदर आए दिन ऐसा माहौल हो गया है कि हमेशा अखबार के अंदर हत्या चाहता हूँ जल्दी गिरफ्तारी हो और इनको फांसी की सजा मिले, ऐसी व्यवस्था आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा। और माननीय आपने अपनी बात बैठा नीचे बैठा प्लीज माने बड़े, मैं माननीय मंत्री जी आपसे अपेक्षा करूंगा, ये जघन्य घटना हुई है, जिस जघन्य घटना पे माननीय पवाराम जी का भी कंसर्न है, ओशिया के मानसिदस का भी कंसर्न है, इस तरह की जघन्य घटना हुई है, शाम को 5 बजे एक स्टेटमेंट दे दे व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन अबाउट दिस, आई थिंक दैट विल बी बेटर कोर्स। 295 धर्मनाथ जोशी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव लेख पंचायत समिति मावली में बढ़ती अनियमितता, अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति द्वारा कराए गए हैंडपंप वेतन व विभिन्न स्थानों पर डॉम निर्माण में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के संबंध में मुझे प्राप्त शिकायतों के संबंध में मैंने विभाग व प्रशासन को जांच के लिए लिखा था, लेकिन क्षोभ का विषय है इन विषयों की जांच होना तो दूर मुझे पत्र का प्रत्युत्तर तक नहीं मिला है। हैंडपंप वेतन में टेंडर प्रक्रिया से लेकर वेतन की गहराई, उपयोग में की गई सामग्री की गुणवत्ता सभी जांच का विषय है। मावली में नादवारा रोड पर पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के पास बड़ी संख्या में दुकानों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक शिकायत की है, लेकिन निर्माण जारी है। मुझे लगता है कि अवैध निर्माणकर्ता को राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार मावली में पंचायत समिति कार्यालय के बाहर भी दुकान निर्माण करवा कर किराए की दी गई है, जिसके लिए की गई प्रक्रिया भी स्वयं में जांच का विषय है। जब बाहरी खेत को खाने लगे तो सुरक्षा कौन करेगा? मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं इस विषय में संज्ञान लेकर विधि सम्मत कार्रवाई कराने का आदेश प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र महुआ की ग्राम पंचायत गगवाना, बालाएड़ी एवं टुडियाना को पंचायत समिति महुआ में जोड़ने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ की ग्राम पंचायत गगवाना, बालाएड़ी, टुडियाना पंचायत समिति महुआ से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भी इन ग्राम पंचायतों के लोगों का महुआ आना जाना लगा रहता है। इन ग्राम पंचायतों का उपखंड कार्यालय भी महुआ है और पुलिस थाना भी महुआ लगता है। ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों ग्राम पंचायतों को महुआ पंचायत समिति में जोड़ा जाना नितांत आवश्यक है। उक्त तीन ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति महुआ में नहीं जोड़ा जाता है तो इन ग्राम पंचायतों के निवासियों के द्वारा भविष्य में होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाने की पूरी संभावना है, जो अभी भी किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनावों का बहिष्कार करना गंभीर कारण बन सकता है। मैं मेरे क्षेत्र के नागरिकों की जनभावनाओं का आदर करते हुए उक्त तीनों ग्राम पंचायतों को महुआ पंचायत समिति में जोड़ने की मांग करता हूं। अतः इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पंचायत राज मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत गगवाना, बालेड़ी, टुडियाना और को पंचायत समिति महुआ में जोड़ा जाए, साथ ही मंडावर को पंचायत समिति बनाया जाए। जय हिंद, जय सर समाज। संजय शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि अलवर शहर की वर्तमान जनसंख्या 415,579 है और शहर हेतु 561,00,000 लीटर पानी की प्रतिदिन की आवश्यकता है, जबकि जलदाय विभाग द्वारा प्रतिदिन अलवर शहर को 315,00,000 लीटर पानी ही दिया जा रहा है। शहर में कुल 290 नलकूप कार्यरत हैं, किंतु लगातार हो रही कम वर्षा के कारण नलकूपों में पानी की आवक लगातार कम हो रही है एवं नलकूप सूख गए हैं, जिसके कारण अलवर शहर में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अलवर शहर की गंभीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु अलवर शहर के पास लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सिलिसेट बांध है और जिसमें वर्षा जल एकत्रित होकर सिंचित क्षेत्र कम हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त बचत की जल की मांग जल संसाधन विभाग से की जाने पर विभाग द्वारा 100 FCFT जल मात्रा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु आरक्षित करने की सहमति भी प्रदान कर दी है। पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सिरीसेट बांध से शहरी जल योजना अलवर शहर हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग NCR क्षेत्र अलवर के माध्यम से प्रस्ताव अनुमानित राशि 38.15 करोड़ की उनके कार्यालय पत्रांक 5039-42 दिनांक 30/11/2022 के माध्यम से भिजवा दी गई है। उक्त प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृति होने की स्थिति में अलवर शहर की पेयजल समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय जलदाय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि अलवर शहर में दिन प्रतिदिन गहराते जा रहे पेयजल संकट के समाधान हेतु
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अलवर द्वारा भिजवाए गए उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने के आदेश जारी कर अलवर शहर की आम जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपीचंद मीना। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत करवाना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन को एक साजिश के तहत खत्म करने का सुनियोजित कुत्सित प्रयास प्राइवेट सीड्स को बढ़ावा देकर किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के किसान बीज निगम से दूर हो गए हैं। पूर्व में प्रतिवर्ष उक्त निगम के प्रत्येक जिले के भंडारण गोदामों में औसत 1.60 लाख क्विंटल गेहूं, सोयाबीन, चना, मक्का सहित इत्यादि फसलों का किसानों द्वारा रॉ सीड्स प्रोसेसिंग हेतु आता था, जो कि अब आना बंद हो गया। इसी प्रकार पूर्व में किसानों को गेहूं उत्पादन में 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था, अब घटाकर 185 रुपए प्रति क्विंटल, तिलहन पर 1975 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था, अब घटाकर 700 रुपए करते हुए किसानों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन का कार्यालय भवन वर्तमान में जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में है, जिसका नवीन निर्माण राजधानी के बजाय जयपुर के बजाय भीलवाड़ा जिले में किया जा रहा है, जो कि अनुपयोगी और अनुचित है। राज्य सरकार के राजस्व को चपत लगाते हुए अनुचित रूप से बीज निगम अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के नाम पर लगभग 28 लाख रुपए का फर्जी भुगतान भी तथा कथित लोगों द्वारा उठाया जा चुका है। साथ ही वित्तीय अनियमितताएं करते हुए बीज निगम के मद से 4 पहिया वाहन खरीदे गए हैं, जिनका उपयोग बीज निगम के कार्यों के निमित्त प्रदेश में नहीं किया जाकर सिर्फ और सिर्फ निकट चुनाव के प्रचार में जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है, तथा अनावश्यक ही कृषकों के भोजन के नाम पर पंत कृषि भवन जयपुर में प्रतिदिन 400 से 500 भोजन पैकेट कागजों में बनाकर फर्जी भुगतान उठाया जा रहा है। इस क्रम में मेरा आग्रह है कि उपरोक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी पाए जाने पर अधिकारियों कार्मिकों सहित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में ली जाने का श्रम क्रम है। श्रीमती कल्पना देवी। माननीय सभापति महोदय, आपने विधानसभा के नियम 295 के तहत बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद। मेरी लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में देवली अरब मेन रोड पर सीवरेज का कार्य पिछले 4 सालों से चल रहा है, किंतु कार्य है कि पूरा होता ही नहीं है। RUIDP द्वारा कार्य के नाम पर पूरा रोड खोदकर पटक रखा है, साथ ही रोड को ब्लॉक अलग से कर रखा है, जिससे क्षेत्र की जनता त्रस्त है, लोगों का निकलना ही दुर्भर हो गया है। कॉलोनी वासी एवं आम राहगीरों को मजबूरन दूसरे रास्तों से होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें उनको समय तो अधिक लग ही रहा है, साथ ही उनके धन की हानि अलग से हो रही है। इसके अलावा व्यापारी वर्ग भी इससे खासा परेशान है, उनका व्यापार पूर्णतः ठप हो चुका है, दुकानदारों को दुकान का किराया तक नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे हैं। इसके कारण कई दुकानदार मजबूरन अपनी दुकानें खाली करके जा रहे हैं। विभाग द्वारा बीच बीच में कार्य को बंद कर दिया जाता है। मेरे द्वारा जानकारी लेने पर संबंधित अधिकारी कभी मशीन फेलियर होने की बात करते हैं, तो कभी पाइप नहीं मिलने की बात करते हैं या नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में देवली अरब रोड पर चल रहे सीवरेज के कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाया जावे। धन्यवाद। श्री गुरदीप सिंह। मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य एवं संचालन नियम 295 के जरिए घग्गर नदी के पानी से हनुमानगढ़ का उत्पन्न हो रहा है हो रहे बाढ़ के हालात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। घग्गर रिवर फ्रंट जो RD 629 से होकर प्रवेश में बहती है प्रदेश में बहती है, उसके बाद RD 24 से नाली द्वारा पानी हनुमानगढ़, पीलीभीमा, सूतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान को चला जाता है। इस नाली की चौड़ाई पूर्व में 3 से 6 बीघा निर्धारित थी। वर्ष 1995 में आई बाढ़ से क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। उसके पश्चात इस क्षेत्र में लोगों ने प्रशासन से मिली व्यक्त कर से अतिक्रम करते हुए इस नाली की चौड़ाई को कम करना शुरू कर दिया। आज स्थिति यह है कि कहीं कहीं तो नाली की चौड़ाई मात्र 1 बीघा रह गई है। इस नाली की ऊपर सरकारी बंदे बने हुए थे, जिन्होंने प्रशासनिक अमले की मिली भगत से लगभग सभी हटा दिए गए हैं। नाली की चौड़ाई कम रह जाने के तथा बंद हटा दिए जाने के कारण जब इस नाली में बरसात के पानी से अधिक आवक होती है तो यह
नाली उस क्षमता को सहन नहीं कर पाती तो क्षेत्र के में बाढ़ की हालात पैदा हो जाते हैं तो आसपास के निवासियों के परिवारों को भयंकर संकट आ जाता है। पिछले एक सप्ताह से मानसून सक्रिय है, गग्गर रिवर फ्रंट में पानी की आवक अधिक हो रही है जिसकी वजह से आरडी 24 से निकलने वाली नाली में बाढ़ के हालात हो गए हैं तथा लोगों में भय हो है। मैंने मेन कनाल जीडीसी के दोनों बंदों की मरम्मत भी काफ़ी समय से नहीं हुई है, न ही सफाई हुई है जो अंत आवश्यक है। इसके स्थाई समाधान के लिए नाली के पूर्वी तरह सरकारी बंदों का निर्माण करवाया जाए जाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से नाली की चौड़ाई पहले की तरह 3 से 4 बीघा निरत कर उस पर हो रहे अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए ताकि लोगों को जान माल का सुरक्षा मिल सके। धन्यवाद सौ को। श्री गोपाल लाल शर्मा, श्री अमीन खां, श्री अमित चाचान। अच्छा सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर पंचायत समिति गढ़ा रोड की 37 पंचायतों में से 19 पंचायतों के सर्कल नेशनल डेजर्ट पार्क की सीमा में आते हैं जिसमें किसी प्रकार के काम करने पर रोक है जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष है क्योंकि उनके देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। साथ ही इस क्षेत्र में कच्चे कामों की अनुमति देते हैं इसलिए निम्न प्रकार से ग्रेवल सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। विभाग ने उसके एस्टिमेट भी भेज दिए परंतु उनकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। जो सड़कें नीचे मौजूद है इनके अलावा कई सड़कें डिफेंस रोड भी है जिनकी मरम्मत होना जरूरी है लेकिन वो मरम्मत करना बंद कर दिया है जो राष्ट्र हित में नहीं है। रोड हरसाणी से म्याजलार रोड कुबड़िया